जयपुर में 4 साल बाद इंडियन प्रीमियर लीग IPL के मुकाबले हो रहे हैं, लेकिन मैचों से पहले कुछ न कुछ विवाद सामने आ रहा है। कभी स्टेडियम में अवैध निर्माण तो कभी मैच के दौरान पुलिस वालों की अवैध एंट्री से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन सुर्खियों में है। आज जयपुर में IPL का तीसरा मुकाबला है, लेकिन इससे पहले RCA पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स CGST विभाग ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 22 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट के फर्जीवाड़े के लिए नोटिस जारी किया है। इसके बाद RCA द्वारा किए गए लेन देन की जांच की जा रही है। आरोपियों के घेरे में राजस्थान रॉयल्स का प्रबंधन भी है। गुरुवार शाम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की ओर से यह नोटिस दिया गया है, जिसके कुछ ही देर बाद आनन फानन में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विभाग में 10 करोड़ रुपए जमा भी करवा दिए गए हैं। वहीं CGST टीम फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच कर रही है। ऐसे में अब IPL के तीसरे मैच से पहले कई कार्यवाही ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों को एक बार फिर परेशानी में डाल दिया है।